हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 10, अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। तो इस चैप्टर में क्या होता है, एक रेसलर होता है, मतलब एक पहलवान होता है जिसका नाम होता है विजय सिंह। वो बहुत ही लंबा और बहुत ही बाहुबली टाइप का होता है, मतलब वो बहुत ही मस्कुलर होता है, उसकी बहुत अच्छी बॉडी होती है और वो काफ़ी बड़ा सा होता है। तो लोग मतलब ऐसा कहते थे कि वो जो है वो बॉर्न रेसलर है, मतलब वो पैदा ही हुआ है पहलवानी करने के लिए और उसको मतलब पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। वो सबसे ज़्यादा ताकतवर पहलवान है इस दुनिया का। मगर ये जो पहलवान था ना, इसकी एक कमी थी। वो कमी थी कि ये बहुत ज़्यादा ना डींगे हाँकता था। बोस्टिंग का मतलब होता है डींगे हाँकना। तो इसकी ये आदत जो थी ना, ये थोड़ी ख़राब थी। ये जब भी कभी कोई बात करता था तो बहुत ही ऊँची ऊँची फेंकता था। जैसे कि एक दिन क्या हुआ कि बाज़ार में किसी जगह पर बैठे हुए थे और इसके आसपास कुछ और जवान लोग थे। तो इसने जो अपना दूध पीने के बाद क्या किया, मतलब इसने एकदम से बोला कि मुझे ना भूतों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मतलब बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है कि भूत होते ही नहीं है। लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही फालतू के ड्रामे बना रखे हैं, और अगर होते भी हैं तो मैं उनसे कभी मिलना चाहूँगा और उन्हें सबक सिखाना चाहूँगा। फिर क्या हुआ, इस बात से लोग आपस में थोड़ी थोड़ी फुसफुसाहट टाइप की बातें करने लगे और फिर बहुत ज़्यादा मतलब तालियां टाइप की बजाने लगे और खुश हो गए। तो उसके बहुत ज़्यादा लोग ना एक्चुअली उसे बहुत ज़्यादा मानते थे कि हाँ भाई, ये तो बहुत ही अच्छा पहलवान है और ये जो चाहे वो कर सकता है। फिर एक दिन क्या हुआ, मतलब उसी टाइम पे एक और कोई बंदा था, एक यंग मैन था, वो उससे कहता है कि एक हॉन्टेड डेजर्ट है। हॉन्टेड का मतलब होता है भूतिया, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। तो वो कहता है कि एक ना भूतिया रेगिस्तान है, वहाँ पर से ना तुम अगर तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता है और तुम भूतों से कभी मिलना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ से जाना चाहिए और फिर देखना कि तुम्हें वहाँ पे एक भूत ज़रूर मिलेगा, वहाँ पे तुम उससे लड़ सकते हो। तो फिर ये जो पहलवान होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उससे मिलना चाहूँगा। तो ये वाली जो बात होती है ना, ये पूरे में फैल जाती है, उनके जो पूरा गांव होता है उसमें फैल जाती है और फिर सब लोग कहने लगते हैं कि हाँ हाँ तुम्हें जाना चाहिए। तो वो जो डेजर्ट था ना, उसके बारे में ये बात फेमस थी कि उसमें डेजर्ट में से जो भी ट्रैवलर निकला करते थे वो मतलब वहाँ पे जो भूत रहता था वो उनको लूटा करता था और लूट के उनको मार देता था। तो फिर जो विजय सिंह होता है कि विजय सिंह कहता है कि मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। और फिर ये बात, जैसे कि मैंने बताया कि वो बात तो पूरी फैल गई होती है, तो सारे लोग उसके बहुत ज़्यादा इनक्रेज करते हैं कि हाँ भाई तुम्हें जाना चाहिए जाना चाहिए। फिर इस बात से विजय सिंह को थोड़ा सा डर लग जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि इतनी ज़्यादा बोस्टिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं फेंकनी चाहिए और अब तो मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को जाना ही पड़ेगा। फिर वो मगर दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा टाइप का बोलता है, हाँ इसमें क्या है, हॉन्टेड डेजर्ट में क्या रखा है, मैं जाऊँगा, मुझे तो लगता है कि एक दंत कथा है। फेरी टेल को हिंदी में बोलते हैं दंत कथा, मतलब जिसका कोई अस्तित्व ना हो और जो बस ऐसे ही हो, लोगों ने बना रखी हो, इस टाइप का उसने लोगों को बोला। फिर उसके बाद उसके जो एडमायरर्स थे, मतलब जो उसे पसंद करते थे, वो कहते थे नहीं, ये बात बिल्कुल सच है, ये जैसलमेर से 10 मील आगे पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ जो रोड जाती है ना, वहाँ पर जो रेगिस्तान पड़ता है वहाँ पर ना वाकई में ये रहता है। और वहाँ पर क्या होता है कि जब तुमको कैसे पता लगेगा तुम वहाँ जाओगे, तो एक ना मतलब रॉक है, रॉक मतलब एक पत्थर जैसा है जो ऐसा लगता है कि एक ऊँट का सर हो, उधर की तरफ से जब तुम जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे वो भूत ज़रूर मिलेगा। फिर क्या होता है, पूरा का पूरा गांव ना उस टाइम, वो फिर जो विजय पहलवान होता है वो कहता है कि ठीक है आज ही रात में जाऊंगा वहां पे। तो पूरा का पूरा गांव आ जाता है उसको मतलब वो कहने के लिए, बाय बाय बोलने के लिए। तो वो जाने वाला होता है, तभी एक बूढ़ी अम्मा होती है, वो अपनी कुछ अजीब सी चीज़ों के लिए फेमस होती हैं, जिनको मतलब चीज़ें कुछ पता होती हैं, अजीब अजीब चीज़ें उस टाइप के लिए वो फेमस होती हैं। तो बूढ़ी अम्मा उसको, पहलवान को, एक पैकेट टाइप का देती हैं। उस पैकेट में क्या होता है, एक अंडा होता है और कुछ मतलब नमक होता है, एक पुड़िया में बंधा हुआ। तो इसको लेके जो है, जो पहलवान होता है वो डेजर्ट की तरफ निकल पड़ता है। फिर क्या होता है, जैसे वो जा रहा होता है उस रास्ते में से, रेगिस्तान में से, मतलब रात गहराती जाती है और जो चंदा होता है वो और ज़्यादा
तेज चमकने लगता है, और जो तारे होते हैं वो राजस्थान के जो आसमान में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे होते हैं। वो जैसे चलता जाता है, तो जो विजय सिंह होता है उसको ये याद आता है कि जो बूढ़ी अम्मा थी उसने उसको एक पैकेट दिया था। तो जब उसको खोल के देखता है तो वो उसमें देखता है कि उसमें एक नमक होता है और अंडा होता है। और जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो ओल्ड वुमेन होती है वो अपनी कुछ अजीब तरीके की बातों के लिए और कुछ ज्ञान के लिए वो मानी जाती है। तो विजय सिंह जो है वो जो हॉन्टेड एरिया होता है उस डिजर्ट का, अब वहाँ पे चला जाता है। तो फिर विजय सिंह को एकदम से उसके दिल से आवाज़ निकलती है कि कहीं वो उसमें अपना जो वो रेगिस्तान है उसमें खो तो नहीं गया है। फिर एकदम से क्या आता है कि एक आवाज़ आती है उसे, फिर वो कहता है, वो आवाज़ कहती है कि मैं हूँ तुम्हारा दोस्त नटवर। एकदम से जो विजय सिंह है उसको वो समझ जाता है कि ये जो नटवर है ये कोई दोस्त वोस्त नहीं है उसका, ये ही भूत है। फिर वो जो है नटवर सिंह या फिर वो जो भूत है वो उसको दोबारा से मतलब आवाज़ लगाता है। तो फिर नटवर सिंह बोलता है कि तुम कहाँ हो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त नटवर, और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, मुझे ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम ना ज़रा मेरे पास को आओ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख पाऊँ। और फिर उसके बाद वो उसके पास आ जाता है, उसके सामने। फिर जो वो होता है विजय सिंह, वो कहता है कि तुम ना कोई ना भूत वूत नहीं हो, तुम ना ऐसे ड्रामे व्रामे करते रहते हो, और जो लोग तुम आसपास से निकलते हैं इस रेगिस्तान के, तुम उसको डराने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामे करते हो कि मैं भूत हूँ। और अगर तुम भूत हो भी ना तो तुम एक बहुत ही ना कमज़ोर भूत हो, तुम ना मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, मैं ना एक पहलवान हूँ और मैं तुम्हें उठा के पटक दूंगा और तुम्हें मतलब आराम से हरा सकता हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तो फिर क्या होता है, जो गोस्ट होता है उसको तो बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये कैसा इंसान आ गया और ये तो मेरी बेइज्जती करे जा रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो विजय सिंह कहता है, देखो, मतलब रेगिस्तान में से एक पत्थर उठाता है और कहता है कि क्या तुम इस पत्थर को कुचल के मतलब ऐसा बना सकते हो कि इसमें से कुछ मतलब इसको ऐसा बना सकते हो इस पत्थर को कि इसमें से कुछ लिक्विड जैसा टपक जाए। तो वो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा करके देखता हूँ। तो वो भूत जो होता है वो पत्थर उठाता है और उसको पत्थर को दबाने की कोशिश करता है, मगर वो पत्थर तो उससे दबता ही नहीं है। फिर विजय सिंह कहता है कि दिखाओ, मैं ये तुम्हें करके दिखाता हूँ। फिर विजय सिंह बहुत होशियार होता है, जो बूढ़ी अम्मा ने उसको अंडा दिया होता है वो चुपके से अंधेरे में कुछ दिख तो रहा नहीं था, उस अंडे को निकालता है और दबाता है, और उसी बीच में पत्थर भी रखा होता है। तो जैसे उसको दबाता है तो पत्थर और अंडे के मिलके एक कट सी आवाज़ आती है, और भूत को लगता है कि यार इसने तो वाकई में मतलब अंडे इसने तो वाकई में पत्थर को तोड़ दिया, मगर वो वाकई में पत्थर तो होता नहीं है, वो तो अंडा होता है, मगर भूत को लगता है वो पत्थर है। फिर भूत सोचता है कि ये तो वाकई में मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो विजय सिंह कहता है कि चलो चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, और तुम अब ये वाला जो पत्थर है इस पत्थर को उठाओ और इसका तुम बिल्कुल मुझे चूरा बना के दिखा दो। तो फिर गोश्त जो होता है वो कहता है कि हाँ चलो मैं ट्राई करता हूँ इसको करने का भी। फिर वो उसको दबाने की कोशिश करता है मगर कुछ होता ही नहीं है ऐसा। फिर वो क्या करता है, जो रेसलर होता है, जो पहलवान होता है, वो चुपके से अंधेरे, रात का तो अंधेरा होता है, पत्थर की जगह वो नमक को पिसाल मतलब दबाता है और चुपके से पत्थर नीचे फेंक देता है। और फिर जब वो गिरता हुआ जो दिखता है वो दिखता है नमक, वो ऐसा लगता है भूत को कि इसने तो पत्थर को बिल्कुल पत्थर का चूरा बना दिया, और भूत को तो डर लग जाता है। वो कहता है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ताकतवर है। तो फिर वो उसको कहता है कि अच्छा चलो तुम ना बहुत ज़्यादा थक गए होगे, और चलो मेरा पास में यहाँ पे घर है, तुम यहाँ पे आराम कर लो। तो फिर बहुत ही जो वो होता है पहलवान होता है उसको एक बेड के पास ले जाता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बेड होता है वो, बहुत ही अच्छा सा होता है। तो वो कहता है कि तुम इस पे आराम से सो जाओ और जब तुम सुबह हो जाएगी तो तुम आराम से चले जाना, तुमने तो मुझे हरा दिया है तो फिर अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा। तो वो कहता है ठीक है। तो वो आराम से लेटा हुआ होता है वहाँ पे, लेट जाता है, मगर जैसे ही मगर पहलवान जो होता है ना वो होशियार भी होता है,
वो क्या करता है, उसको ये पता होता है कि जो भूत है ये मेरे को धोखा देने की कोशिश ज़रूर करेगा, तो वो ना पूरा ध्यान रखता है उसका। तो उसको जैसे ही एकदम से आहट सुनाई देती है भूत के आने की, उससे पहले ही मतलब उसे पता होता है कि ज़रूर आएगा, तो वो ना पीछे की तरफ चला जाता है और बेड पे अपने उसके तकिए वगैरह जो ऐसे होते हैं, तकिए को इस तरीके से लगा देता है जैसे कि कोई इंसान उस पर सो रहा हो, और उसके ऊपर से चादर ढक देता है। और भूत आता है एक लकड़ी का डंडा सा लेकर और उसको खूब तेज 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 कम से कम कई बार मारता है, 5 बार मारता है, और उसे लगता है कि ये तो मर गया। और फिर भूत जाके चुपचाप अपने सोफे पे लेट जाता है, और जब भूत सो जाता है फिर जो ये जो विजय सिंह है पहलवान, ये फटाफट से आके अपने बिस्तर पे को लेट जाता है। फिर जैसी थोड़े और देर होती है, फिर वो उससे भूत से बोलता है कि ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना मतलब क्या मच्छर हैं, कीड़े हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे से काउंटिंग याद है कि इतनी बार मेरे को किसी कीड़े ने आके मेरे पे काटा या फिर मेरे को परेशान करने की कोशिश की। तो भूत तो डर जाता है, भूत सोचता है कि मैंने इसको इतनी तेज़ तेज़ मारा और फिर भी मतलब इसको कुछ हुआ नहीं, इसको लगा कि एक छोटे से कीड़े ने मेरे को काट लिया हो, उसे लगता है तो बहुत पहलवान है और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊँगा। तो फिर भूत अपनी हार मान लेता है, और फिर वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं मतलब उसने जो भूत होते हैं उसने बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ के जो यात्री होते हैं उससे लूट रखी होती हैं, तो भूत वहाँ से डर के भाग जाता है, और वो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसने लूट रखी होती हैं लोगों से गलती से, तो वो रेसलर को मिल जाती हैं। तो कई चीज़ें तो रेसलर उन लोगों को वापस कर देता है जिनकी सच में होती हैं वो, और कुछ चीज़ें वो अपने पास रख लेता है। फिर जब वो वापस जाता है तो और ज़्यादा उसकी मतलब वाहवाही होती है। फिर जो वो पहलवान होता है रेसलर, वो उस बूढ़ी अम्मा से मिलता है और उसको थैंक यू बोलता है कि आपकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ, और उसकी जो पोती होती है उसका हाथ मांग लेता है और उनकी शादी हो जाती है। फिर क्या है, तब से मतलब ये जो कहानी है ये राजस्थान की फोकलोर्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और फिर कहते हैं कि जब से विजय सिंह ने उस भूत को वहाँ से भगाया तब से किसी भी यात्री को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।